नमस्कार, आप देख रहे हैं CNETV क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ खबर में आपके साथ मृदुला। आज की खास खबर उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद अंतर्गत लश्कर से है। उल्लेखनीय है कि अपने धार्मिक महत्व और पूरे राज्य फैले तीर्थ स्थानों सहित असंख्य हिंदू मंदिरों के कारण उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ न केवल पर्वतीय क्षेत्रों बल्कि समस्त मैदानी भूभागों में भी तमाम देवी देवताओं का वास है। भारत की सबसे लंबी और पवित्र गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से बहती है। भारत के सर्वाधिक पवित्र चार धाम तीर्थ स्थल उत्तराखंड में ही है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ भी यहीं पर विराजमान है। देवभूमि उत्तराखंड अनादि काल से देवी देवताओं के अलावा साधु संतों व सिद्धों की भूमि भी रही है। ऐसे ही एक सिद्ध पुरुष में हरिद्वार के लश्कर में स्थित रुद्र महादेव शिव मंदिर के पुजारी बाबा फूलगिरी महाराज भी हैं। बता दें कि बाबा फूलगिरी महाराज इन दिनों खासी चर्चा में हैं, जिसका कारण यह है कि उन्होंने विश्व व भारत भूमि की मंगल कामना के लिए एक अनूठा व्रत धारण करते हुए कठोर साधना शुरू की है। साधना के दौरान वे लगभग 84 दिन तक रात दिन खड़े रहकर ईश्वर का ध्यान लगाएंगे। बाबा का कहना है कि वर्तमान में पूरे विश्व में चल रहे युद्धों में वह बहुत व्यथित है। विश्व शांति की वह ईश्वर से कामना करते हैं। उनका कहना है कि लोग धन दौलत शक्ति बढ़ाने के मद में एक दूसरे के प्रति नफरत और वैमनस्य की भावना पाल रहे हैं। इससे मानव सभ्यता को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध चाहे दो लोगों में हो या दो देशों के बीच, इससे उनका व्यक्तिगत नुकसान तो होता ही है, लेकिन इससे दुश्मनी की जो भावना पनपती है उसका खामियाजा दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। बाबा ने कहा कि विश्व की वर्तमान स्थिति मानव समाज के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में सभी लोगों को सद्बुद्धि देने, उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार, भाईचारा तथा विश्व शांति की भावना जगाने के लिए ही उन्होंने यह साधना शुरू की है। जैसे हमें 4 साल हो लिया, हम अन्न नहीं खाते हैं, कोई दूध नहीं पीते हैं, कोई फल नहीं खाते हैं, कोई मेवा नहीं खाते हैं, कोई मीठा नहीं खाते हैं, किसी को नहीं यकीन हो, 6 महीना रात दिन रह के देख सकता है। ये बाबा जी की 5वीं तपस्या है। इससे पहले 4 तपस्या और हो चुकी हैं, ये 5वीं तपस्या है। लोगों को लाभ ही हो रहा है, आ रहे हैं लोग। 3 तारीख से दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी, यही मेरा कहना है। बाबा जी का साथ दें, क्षेत्रवासियों को फायदा होगा, ये बस और क्या है। तो आज इस खबर में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी अन्य रोचक खबर के साथ। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो खबर को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी अवश्य लिखिएगा।